Hello students, welcome to online class. This is your English class and today we shall discuss our second part of chapter 13, the sum of life. बच्चों पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो था इस चैप्टर को कहां तक पढ़ा था, इस चैप्टर को हमने वेट तक पढ़ लिया था. जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि द साम ऑफ लाइफ, जीवन का संगीत. जीवन का संगीत यानी जीवन का जीवन, साम का मतलब होता है एक तरह से स्तुति गान या भजन. इसमें जो राइटर है वो जो नौजवान है उन्हें संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए. वो उन्हें बताता है कि हमें हमेशा अपने कार्य में लगे रहना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोयम. लीव्स मैन, लीव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइव्स सबलिम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम. मींस लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, ग्रेट मतलब जो महान आदमी थे उनका जो जीवन है, रिमाइंड्स मींस याद दिलाता अस माने हमको, यानी जो महान आदमी हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं वो हमें याद दिलाता है. वी कैन मेक अवर लाइफ सबलिम, सबलिम का मतलब अच्छा, उत्कृष्ट, यानी हम भी उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को उत्कृष्ट या अच्छा बना सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं. एंड डिपार्टिंग, डिपार्टिंग का मतलब होता है छोड़ना. एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और अपने पीछे छोड़ सकते हैं. फुटप्रिंट्स का मतलब पैरों के निशान. ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, यानी समय के रेत पर हम अपने पैरों का निशान छोड़ सकते हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे कर्मों से, फुटप्रिंट्स का मतलब यहाँ हमारे कर्मों से है, यानी अगर हम ऐसे काम करेंगे जो अच्छे होंगे तो उनसे दूसरे लोग भी प्रेरणा पा सकते हैं. नेक्स्ट, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनोदर, यानी फुटप्रिंट्स का मतलब जो हमारे पैरों के निशान हैं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमने अच्छे जीवन में अच्छा कार्य किया है उससे, दैट परहैप्स माने हो सकता है, अनोदर माने दूसरे, शायद दूसरे लोग. नाउ लेट्स द नेक्स्ट पेज. सेलिंग अवर लाइफ सोलोमन मैन, अ फोरलोन एंड शिपरैक्ड ब्रदर सिंग शैल टेक हार्ट अगेन. मीन्स जो हमारे पैरों के निशान है, मीन्स जो हमारे अच्छे कर्म हैं, उनसे जो है लाइफ सोलोमन मैन, यानी जीवन के गहरे समुद्र में जो जीवन रूपी इस समुद्र में फंसा हुआ है, अ लाइफ सोलोमन मैन का मतलब होता है गहरा समुद्र, यानी जीवन का जो समुद्र है, जिस जीवन में हम जीते हैं उसकी तुलना के लिए है गहरे समुद्र से. अ फोरलोन का मतलब होता है उदास, अ फोरलोन एंड शिपरैक्ड ब्रदर, यानी एक व्यक्ति, एक उदास व्यक्ति जिसका शिपरैक्ड, जिसका जो जहाज है वो टूट चुका है. जहाज का मतलब उसने अपनी उम्मीदें खो चुकी हैं, वो परेशान है. हो सकता है सिंह माने देख कर, शैल टेक हार्ट अगेन, यानी वो हमारे कर्मों को देख कर, हमारे पैरों के निशानों को देख कर वो आगे बढ़ जाए, उसे हिम्मत मिल जाए. Now let's see the last stanza of this poem. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. Means trust no future. यानी भविष्य पर विश्वास मत करो, भरोसा मत करो. How pleasant, कि वो कितना सुखद होगा, यानी हमें अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा. Let the dead past, और जो हमारा past था, जो हमारा समय गुजर गया है उसके बारे में भी हमें नहीं सोचना चाहिए. Bury its dead, यानी जो past है वो एक तरह से दफन हो चुका है, वो नहीं है, जो गुजर चुका है वो दोबारा से लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए हमें अपने past में भी नहीं जीना चाहिए, ना तो भविष्य में जीना चाहिए ना ही फ्यूचर, हमें अपने पास यानी भूतकाल में भी नहीं जीना चाहिए. एक्ट का मतलब कार्य करना चाहिए. इन द लिविंग प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, यानी जब हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान में हमें केवल अपना काम पर ध्यान देना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए.
हार्ट विद इन, यानी अपने हार्ट से, अपने दिल से, अपने जिस काम को भी हम करें अपने दिल से करें, एंड गॉड ओवर हेड, और अपने भगवान पर विश्वास रखें, हमारा भगवान हमें आगे लेकर जाएगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। तो हमेशा हमें अपने खुदा पर, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो इस कविता में राइटर कहना चाहता है कि हमें निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, और हमें महान इंसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी महान इंसान बन सकें, और हमारे जाने के बाद जो हमारी जनरेशन है वो भी हमारे कर्मों से कुछ सीख सके, वो भी हमारे कर्मों से अच्छी बातें सीख सके। इसके जो राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, वो है H.W. Longfellow। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग भी हैं, जैसे ईयरनेस माने उत्सुक, ग्रेव गंभीर, डेस्टाइन मिस किस्मत, फर्दर मिस भविष्य में, विवोक मिस अस्थाई पड़ाव यानी कुछ समय के लिए रुकना, फैट मिस भाग्य, सबलिम मिस उत्कृष्ट, सोलोमन मेन का मतलब यहाँ है गहरा समुद्र। सो योर चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ। अब आपको इस पोएम के जो वर्ड मीनिंग है वो याद करने हैं, और इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुक वर्क है, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।